वेलकम टू 9 AM लर्निंग। आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और इनको हम क्लियर करेंगे अपने मेथड से जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, जिसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप पहले ज़रूर देखें। और इन क्वेश्चंस को हार्डली करने में आपको 5 to 7 मिनट्स लगेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर भी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई हिम। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट सेंटेंस हमारा हैड प्लस B3 है, तो नेक्स्ट जो वाला हमारा सेंटेंस है वो हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ ही वर यू आई हिम माई कार। देखिए मैंने आपको रूल में बताया है कि अगर इफ़ वाला जो क्लाउज है वो अगर हमारा वर्ब प्लस नाउन है, वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन कुछ भी है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वुड प्लस B1 से बनेगा। तो देखिए इसमें वुड प्लस B1 कहाँ है, ऑप्शन में विल गिव, वुड हैव गिवन, वुड गिव और विल हैव गिवन। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, वुड गिव, यानी कि बी पार्ट। क्लियर है आप लोग? तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हैड ही इन्वाइटेड मी आई द फंक्शन। मैंने आपको बताया है कि अगर हमारा फर्स्ट क्लाउज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमारा वुड हैव प्लस B3 से बनेगा। तो वुड हैव प्लस B3 देखिए हमारा क्वेश्चन में कहाँ है, यानी कि ए पार्ट में। तो थर्ड का आंसर हमारा क्या हो गया, ए। और आप लोग भी हमारे साथ करते रहिएगा क्वेश्चंस, और जितने आपने करे, सही करे हैं गलत करे हैं, उनको हमें कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर है? देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ़ ही हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करते टाइम पे हम कोई एक सेंटेंस के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर गिवेन है। सिंपल फ्यूचर कब आता है, जब फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो। तो सिंपल प्रेजेंट देखिए हमारा वुड और बिल तो होगा नहीं, वुड या बिल तो हमारा ये फ्यूचर चला गया, ठीक है? तो दूसरा देखिए हमारा वर्किंग गिवेन है, वर्किंग तो नहीं होगा, होगा क्या, वर्क्स, ठीक है? तो देखिए फोर्थ का हमारा क्या हो गया, सी पार्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बिफोर द पुलिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। तो ये हमारा किस में गिवन है, फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में। जब सिंपल फ्यूचर में गिवन है तो आगे वाला सेंटेंस हमारा किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट देखिए हमारा कहाँ पे है। अब देखिए हमें यहाँ पे पुलिस को पहचानना पड़ेगा कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए यहाँ पे ए में हमारा कम दिया है और सी में हमारा कम्स दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो पुलिस है एक्चुअल में ये हमारा होता है प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन होता है तो इसके साथ हमारी वर्ब आएगी प्लूरल, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, कम, ठीक है? यानी कि ए पार्ट इसका हमारा सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है अनलेस आई हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड क्लाउज जो है वो हमारा दिया है सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में अगर गिवन है तो फर्स्ट वाला क्लाउज हमारा किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट देखिए हमारा कहाँ पे गिवन है, सी में। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए हार्डली, रेयरली, अनलेस, अनटिल, ये सारे जब वर्ड हमें गिवन होते हैं, आगे गिवन होते हैं, तो इनके साथ पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी हम कोई भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या आया है, सी आया है। नेक्स्ट देखिए सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ़ आई हैड मनी आई लेंट इट टू हर। तो मैंने आपको रूल में समझाया है, आपने सच में अगर वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हेड प्लस नाउन, हेड प्लस नाउन है तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वुड प्लस B1 से बनेगा। तो वुड प्लस B1 देख लीजिए हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए में लैंड्स है, बी में हमारा वुड लैंड है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वुड लैंड, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट देखिए एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, इफ़ आई यू आई वुड नॉट टॉलरेट। देखिए फर्स्ट सेकेंड क्लाउज हमारा किस में है, वुड प्लस B1 में। वुड प्लस B1 में अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है,
देखिए हैव तो नहीं होगा, बिल्कुल हैज नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, एक हमने रूल पढ़ा है, अगर हमारा फर्स्ट क्लाउज यानी कि इफ वाला क्लाउज वर प्लस नाउन है, वर प्लस नाउन है तब भी हम वुड प्लस बी वन लगाएंगे सेकेंड क्लाउज में, तो वर प्लस नाउन देखिए हमारा कहाँ पे है, सी में, यानी कि एट्थ का हमारा हो गया सी, क्लियर क्लियर है आप लोगों को। देखिए अब हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट योर रिएक्शन बी। तो देखिए मैंने आपको बताया है रूल में कि अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इफ वाला क्लाउज वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बन रहा है, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमारा हमेशा वुड से बनेगा, क्लियर है। तो वुड देख लीजिए हमारा कहाँ पे है, वुड प्लस बी वन होगा तो हमारा ये है डी पार्ट में, इसका आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है हमारा सुपोज सी डजंट एग्री वॉट वी डू। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लाउज हमारा किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो आगे वाला क्लाउज हमारा किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में, तो सिंपल फ्यूचर देखिए कहाँ पे गिवन है, ये तो कुड है, ये शुड है, ये वुड है, यहाँ पे बिल, तो बिल हमारा होता है सिंपल फ्यूचर। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको टेंथ भी। नेक्स्ट देखिए इलेवंथ क्वेश्चन, इलेवंथ है इफ आई हैड टू हाउसेस, अगर मेरे पास दो घर होते आई वन टू यू। देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर फर्स्ट क्लाउज में हेड प्लस नाउन है, अगर फर्स्ट क्लाउज में हेड प्लस नाउन है तो सेकेंड क्लाउज हमारा वुड प्लस बी वन से बनेगा, क्लियर है। वुड प्लस बी वन देखिए हमारा ऑप्शन में कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन में है डी में, तो यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा ट्वेल्व क्वेश्चन, तो ट्वेल्व क्वेश्चन में देखिए इफ वी ड्राई आइस इट टर्न्स इंटू वेपर। तो यहाँ पे देखिए हमारा कहाँ पे ये गिवन है, सिंपल प्रेजेंट में, जब ये सिंपल प्रेजेंट में गिवन है तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखिए थर्टीन, इफ ही ट्राइड अगेन ही द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, अगर वो अच्छे से मेहनत करता है, अगर वो दोबारा मेहनत करता है तो वो अच्छे नंबर से एग्जाम को पास करेगा। तो मैंने आपको रूल में बताया कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वुड प्लस बी वन से बनेगा, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट। नेक्स्ट देखिए फोर्टीन क्वेश्चन, फोर्टीन क्वेश्चन में इफ सी टू मी आई वुड हैव गिवेन, वुड हैव गिवेन हमारा यहाँ पे गिवेन है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे वुड हैव गिवेन कब आता है, जब हमारा फर्स्ट क्लाउज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लीजिए हमारा कौन से ऑप्शन में है, यानी कि ये ऑप्शन हो गया हमारा डी, क्लियर। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरे ये जो क्वेश्चन हमने कराए हैं इनकी पीडीएफ आपको 9 AM लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है।